कुछ दिन पहले मैंने उदया चौराहे के पास जो ओवरब्रिज का काम चल रहा है उसके ऊपर वीडियो डाली थी मैंने, और उसमें मैंने दिखाया था कि ओवरब्रिज के एक तरफ जिस तरफ उदया पब्लिक स्कूल है वहाँ पर तो काम जो है पिलर्स का पूरा हो गया है, लेकिन अपोजिट तरफ काम अभी शुरू नहीं हुआ था और पूरी तरह से बंद था। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो जो है उसके विपरीत है। इस समय जो अपोजिट तरफ जो हमारा जो साकेतपुरी कॉलोनी की तरफ से जो रोड होके जाती है उस पर भी जो पिलर है ओवरब्रिज का वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र सिंह अयोध्या से और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने चैनल टूर लवर्स 2020 में। दोस्तों मेरा जो घर है वो रिकाबगंज एरिया में पड़ता है, वहां से मुझे ये जो उदया चौराहा है वहां से आने का सफ़र जो है कोई आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता ही है यहाँ पर भवन ध्वस्तीकरण चल रहा है, हर जगह तोड़फोड़ मची हुई है। इसीलिए जो है यहाँ पर साहबगंज जो चौराहा है वहाँ से पार करके जब मैं आगे आ रहा था तो वहाँ पर मुझे रोड ब्लॉक मिला, वहाँ पर रोड ट्रैफिक पूरी तरह से डाइवर्ट किया गया था एक गली में से होकर, उसके बाद गुजारा जा रहा था क्योंकि वहाँ पर एक पेड़ जो है टूट गया था जो जिसके कारण पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था, तोड़फोड़ चल रही थी उसी में वो पेड़ भी जो है वहाँ से काटा गया होगा, तो इसीलिए जो है वहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, इसलिए सीधा नहीं आ पाया, ट्रैफिक को जो डाइवर्ट करके गली से लाया गया, उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और ये जो आप काम देख रहे हो दोस्तों ये जो है हमारा वही फ्लाईओवर का काम है, ओवरब्रिज का काम है जो कि साकेतपुरी से कॉलोनी से होते हुए जो है ये आगे जाती है पचकोसी परिक्रमा मार्ग तक। और ये जो ओवरब्रिज है ये कनेक्ट करता है पचकोसी परिक्रमा मार्ग को जो है देवकाली बाईपास से, ये ओवरब्रिज पूरा जाएगा देवकाली बाईपास पे जाकर मिलेगा, वहाँ तक गया है ये। दोस्तों ये है उदया चौराहा, इसको उदया चौराहा बोलते हैं यहाँ पर, और इसी के सामने है ये साकेतपुरी वाली रोड, और इसी रोड पर ये फ्लाईओवर का काम चल रहा है ओवरब्रिज का। इसी के यहाँ से बाई तरफ से आने का भी है रास्ता और जाने का भी रास्ता है, दोनों तरफ से आने जाने का बनाया हुआ है। इस तरफ जैसी भी मशीन खड़ी है, इस तरफ से जो उनके जो इक्विपमेंट हैं वो रखे होंगे, तो इसीलिए इस रोड को जो है इस तरफ को जो है पूरी तरह ब्लॉक किया गया है और केवल एक तरफ ही आने जाने दिया जाता है। जो मैंने पिछली बार बताया था पचकोसी परिक्रमा मार्ग पर उदया पब्लिक स्कूल के सामने से टोटल 6 पिलर लगे हुए थे और गए हुए थे उधर से बने हुए थे, और उसके अपोजिट साइड जो साकेतपुरी कॉलोनी है उसके तरफ जो एक जो हमारा एक रेलवे फाटक भी पड़ता है, और रेलवे फाटक तक टोटल 7 पिलर और जो रेलवे फाटक के बाद 5 पिलर पड़े हुए हैं। टोटल जो पचकोसी परिक्रमा मार्ग पर जो पिलर की जो संख्या है वो टोटल करीब 19 हैं। जो है मेन जो पिलर है वो केवल 18 हैं, लेकिन जो एक छोटे वाले पिलर जो एकदम नीचे रहता है उसको लेकर टोटल 19 पिलर यहाँ पर डाले गए हैं। दोस्तों इस समय इस तरफ जो है हमारा उदया पब्लिक स्कूल है और इस तरफ जो है हमारा साकेतपुरी कॉलोनी है, और इस दोनों के बीच में ये जो उदया चौराहा है इन्हीं दोनों के सामने आप देख रहे होंगे ये पिलर पड़ा हुआ है, और इसी पिलर के ऊपर से हमारा ओवरब्रिज जाएगा और दोनों ही जो तरफ के जो ओवरब्रिज हैं वो पूरे कनेक्ट हो जाएंगे, इंटरकनेक्ट हो जाएंगे, और जिस दिन ये पूरा तैयार हो जाएगा उसके बाद हमारा ओवरब्रिज हमारे यातायात के संचालन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसमें दोस्तों कहने की कोई बात नहीं है कि यहाँ पर जो काम चल रहा है वो बहुत युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और बहुत ही तेज़ गति से काम चल रहा है। जो योगी सरकार की और जो केंद्र सरकार की जो मंशा है वो ये है कि 2023 के लास्ट तक जो है राम मंदिर जब बन जाएगा तो उस समय हमारे जो अयोध्या का डेवलपमेंट का जो काम है वो भी पूरा हो जाए पूरी तरह से। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, मैंने आपको जब मैंने उस समय यहाँ पर पचकोसी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे जो ओवरब्रिज का काम था जब वो चल रहा था तब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उसका जो दूसरा पार्ट है वो भी लाऊंगा, इसलिए मैं उसको लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है जानकारी मेरी द्वारा जो दी गई है, तो इसे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने चैनल टूर लवर्स 2020 को, और बने रहिएगा इसी तरह से मेरे चैनल के साथ और सपोर्ट दीजिएगा अपना। जय हिंद जय भारत।